बनाने जा रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बनाऊँगी मैं अप्पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अप्पे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे सूजी, और यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 1.5 कप सूजी ली है, कोई नाप कर नहीं ली है। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें दही भी ऐसे ही डाल देंगे, कोई फिक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 3-4 चम्मच दही डाला है, और इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे पानी, और एक इडली का जो बैटर बनाते हैं उस तरीके का बैटर तैयार कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। गोल तैयार हो गया है, इसको अब हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, और 10 मिनट बाद इसमें हल्का सा चला करके देख लें, गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लें। मेरा ये गोल बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें पानी और मिला देंगे थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोडा, और डालेंगे कटी हुई ये सब्ज़ियाँ अपने पसंद के हिसाब से। अप्पे पैन में मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दिया सब में, और ये जो छोटी वाली राई आती है वो डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सभी में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस 1-1 चम्मच सभी मोल्ड में रख देंगे बटर। और इनको लीड लगाकर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए, और बस एक अप्पे को पलट कर देखेंगे, अगर ये सिक गए होंगे तो इनको एक बार ग्रीस कर देंगे ऊपर सभी अप्पों में, और फिर से पलट कर दूसरी साइड सेक लेंगे। लीजिए हमारे अप्पे तैयार हैं, चाय भी तैयार है, और इनको मैंने सर्व किया है टमाटर और धनिया की चटनी के साथ। मेरे हस्बैंड घर पर थे तो रात अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है और घूमी घूमी जा रहा है पास में ही। मैं कर रही हूँ कुलचे और मटर वाले छोले बनाने की तैयारी। तो कुलचे के लिए मैं डो तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैंने ली है मैदा, उसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और डालेंगे 3-4 चम्मच दही फ्रेश वाला, और पानी डाल करके और थोड़ा सा मोयन डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है।
आटे को सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। और अब मैं बना रही हूँ शाम को लस्सी। You were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Got a little smile, it knocked me off of my seat. I started falling for you. And I didn't know what to do. But I knew that I had to make a move. From the moment that I watched you walk into my life, yeah. मटर मैंने उबाल ली है, इसको अच्छे से एक बार चला ले। इसमें डालेंगे कुछ मसाले, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और डालेंगे इसमें कटी हुई सब्जियां, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया और नींबू का रस डालेंगे इसमें। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस तैयार हो जाएंगे मेरे मटर वाले छोले। ऐसे ही छोले मिलते हैं ठेले पे, जो मटर के कुलचे, मटर के छोले और कुलचे मिलते हैं, तो इसी तरीके से बनाते हैं। और आटा भी सेट हो गया है। थोड़ा सा डो लेकर के उसकी लोई बना लेंगे और उसमें डालेंगे कलौंजी और हरा धनिया काट करके उसमें लगाएंगे। कलौंजी जो ब्लैक क्यूमिन जिसको बोलते हैं, और बस आटा लगा करके इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको। जिस साइड मैंने धनिया नहीं चिपकाई है, दूसरी साइड मतलब जिससे प्लेन है उधर हम लगाएंगे पानी, ताकि ये साइड अच्छे से तवे पर चिपक जाए और ये अच्छे से एक कुलचे जैसा लुक देने वाला सीख सके। और बस इसको ढककर 2-3 मिनट रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, अच्छे से ये फूलने लगेगा। और बस इसको सेक लेंगे पलट करके। देखिए तवे वाली साइड पे कितना अच्छा ये गोल्डन सा सेक गया है, एकदम कुलचे जैसे बाजार में मिलते हैं उस तरीके से। और इसको क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। कुलचे हमारे रेडी हो गए हैं और इसमें अच्छे से घी लगा करके सर्व करें। आपको हमारी रेसिपीज़ और हमारे ब्लॉग वीडियो पसंद आते हों तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।